हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इजी किचन हैक्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज के लिए मज़ेदार मार्केट जैसी चटनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये तो मैंने छोटे साइज़ के 6 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं, सिर्फ इसमें इस तरीके से एक कट लगा देना है और इसी तरीके से हम सारे टमाटर को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे टमाटर अच्छे से कट हो गए हैं। अब एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी और यहाँ पे हम डाल देंगे मिर्ची। तो मैंने 7 से 8 मिर्ची ली हैं, आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अदरक का टुकड़ा डालेंगे और सारे कटे हुए टमाटर हम इसमें डाल देंगे। इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए, जब इस तरीके से स्टीम निकलने लग जाए टमाटर की, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, उसके बाद सारी स्कीन टमाटर की निकाल करके हम इसे डाल देंगे ग्राइंडर में, और आपको मिर्ची भी साथ ही ग्राइंडर में डाल देना है। इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, 15 से 20 लहसुन की कलियां आप डाल दीजिए। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच शक्कर डालेंगे ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इसे मिक्स करेंगे, हमारी मोमोज चटनी बन करके तैयार है। इस चटनी की कंसिस्टेंसी आप पानी डाल के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसे एज इट इज़ सर्व कर रही हूँ। ये हमारी मोमोज चटनी बनकर के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।